राकेश तू क्यों क्यों उस मनु उसका नाम ले रहा है, क्या हुआ है राकेश? ये क्या कर रही है? हे भगवान, लगता है फिर जी को पता चल गया कि राकेश यही है। फिर जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं तो राकेश अजीब को। राकेश! अरे क्या राकेश, तू उस मनोज का नाम क्यों ले रहा है? तू पंडित की शादी हो रही है यहाँ, कोई मजाक नहीं चल रहा, क्या हुआ क्या? ताऊ जी वो एमएलए यहाँ आया था अपने बेटे राकेश को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि राजीव ने राकेश को किडनैप किया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि एमएलए का फोन राकेश इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि राकेश कहीं और नहीं बल्कि यहीं है इसी घर में। क्या है? कुछ भी बोले जा रहा है। इसे पूछो इसको ऐसा किसने कहा? कहा ना पूछो, वरना तुम्हें पता ना मैं क्या कर सकता हूँ। पूछो पूछो। वीर जी, आपसे ऐसा किसने कहा? परी, मैंने खुद राकेश की गाड़ी घर के पीछे देखी, छुपा के खड़ा किया है उसने। तो तू टेंशन ना ले, हमें ना देख लेंगे। और उस राकेश की क्या मजाल जो यहाँ है? ताऊ जी बात ये नहीं है कि राकेश यहाँ है, बल्कि बात ये है कि हमारी सिमी कब से ढूंढ रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रही। सिमी हर जगह पे ढूंढा लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रही हमारी। अरे विक्टर, इधर ही किधर होगी या थक करके रूम कमरे में जाके सो गई होगी? कोई बात नहीं, ये देखिए, ये देखिए, ये सिमी का चैन है। क्यों निकाल के फेंकेगी वो? ये तो सिमी की चैन है। अरे हर जगह ढूंढ। मोंटी, मेरी बहन का, कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अगर मैंने सच बता दिया तो सिमर को बाहर निकालने की जिद करेगी, और सिमर ने तो मुझे बिना चेहरे के भी देखा है, वो सबको यहाँ मेरा राज बता देगी। मुझे पूरा यकीन है कि सिमी के साथ कुछ गलत हुआ है। तुम लोगों को पता है कि सारा केस ढूंढ लिया और राकेश ने कुछ खराब नहीं करा, कहीं नहीं दिखाई। नहीं, मैं इसे सच नहीं बता सकता। मैंने पूछा सिमी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मिल रही होगी बाहर कहीं, हो ना हो सिमर के गायब होने में इसी का हाथ है। क्या कर रही हो? जब बैठ नहीं सकती तुम? तुमसे शादी करने के लिए मैंने तुम्हारी शर्त मानी थी ना, तो अब तुम मेरी शर्त मानोगे। मैं इस मंडप में तब भी बैठूंगी जब तुम मेरी शर्त पूरी करोगे। पंडित की ही हुआ बोतल। हे भाई गुरु जी, मुझे बचा लीजिए शादी से पहले, मुझे मंडप पे पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना वो हैवान राकेश परी से शादी कर लेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसे प्यार नहीं करता, वो इंसान भी अच्छा नहीं है। अरे वो इंसान क्या, वो तो हैवान है। और वो बेचारी परी, उसकी तो शक्ल देख के ऐसा लगता है उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया होगा। मैं राकेश को उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। भाई गुरु जी, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं परी की मदद कर सकूं। वाह चप्पा, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इसकी किस्मत अच्छी है या बुरी, मुसीबत से निकलने के बाद फिर मुसीबत में फंस जाता। वैसे मैंने सुना है कि अगर सांप सामने हो तो हिलना डुलना नहीं चाहिए, जहाँ हो चुपचाप वहीं खड़े रहना चाहिए। उसे क्यों बता रहा है? चुप। अरे उसे बताऊंगा तभी तो वो एक जगह खड़ा रहेगा ना, और उसे गोली मारने में आसानी होगी। राजीव, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या करें, तुम यार गलत टाइम पे गलत जगह पहुंच गए। ना तुम परिणीत की शादी में आते, ना वरुण की जगह लेते, और ना तुम्हारा ये हाल होता। बताओ हम लोग क्या करें? अब तो तुम्हारा काम खत्म। वन, टू, थ्री।
तो हमारी तरफ आ रहे हैं। ये सांप हमारे पीछे कैसे लग गया? बाल बाल बचे यार। ये क्या था? लगता है वो सांप उसे बचाने ही आया था। अपनी बकवास बंद कर, समझा ना? चल उसे ढूंढते हैं। चल चल राजेश। बेटी वापस बैठ जाओ, नहीं तो जितने रस्में अभी तक हुई सब खंडित हो जाएगी, दोबारा फिर से करना पड़ेगा। पंडित पुत्र, पुत्र बैठ जा, पुत्र बैठ जा। ऐसे कैसे बैठ जाओ पंडित जी? मेरी बहन मेरी सिप भी नहीं मिल रही है और वीरजी ने अभी भी उसकी चीजें भी दिखाई। अरे विक्की पुत्र, वो इधर ही किधर हो गया? कुछ तो हुआ है, वरना वो ऐसे शादी छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आप लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं? मुझे नहीं पता सुनी जी, मुझे आप ढूंढो बस, मुझे मेरी बेटी यहाँ चाहिए, अभी चाहिए। घबरा मत, सिम्मी मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी, घर में अच्छे से देखो। मैंने हर एक कमरा छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। और पुत्र मेरे कहने से दोबारा से देख लो, घर का कोना कोना छान मारो, अच्छे से देखो, अगर नहीं मिली तो पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस जी, मैं बोल रही हूँ, वो एमएल है ना, उसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी, हम उसके घर चलते हैं, वहीं मिलेगी। मैं बोल रही हूँ ना, बोल रही हूँ। अखिल, इस परिवार की प्रॉब्लम क्या है? लड़की गायब भी तो हुई है, मर थोड़ी गई है जो इतना मातम मना रहा है। पंडित जी, हाँ जी, उसी शादी में रोक दो। की कर रहे हो पंडित जी? एक मिनट, परिणीत पुत्र इतनी परेशान है, मैं नहीं चाहती कि परिणीत अपनी शादी में इतनी दुखी हो। भाई शादी की यादें सोनी और अच्छी होनी चाहिए। नहीं चलिए, पहले सिम्मी नो ढूंढ लेते हैं। हैं जी, सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। उस साइड देखिए, तू उधर जाके बुक कीजिए, सारे सारे अलग अलग जगह ढूंढ लो, मिल जाएगा। मोंटी आ जा, ओ कुड़िया तू भी नहा आ जा। इसमें ही तो है उसी में, और ये सब इधर उधर भाग रहे हैं। क्या कर लो? अपनी बहन को ढूंढने जा रही, और जब तक सिम्मी नहीं मिल जाती मैं शादी नहीं करूंगी। क्या कर रहे तुम? क्या कर रहे तुम? छोड़ो उसे। रब्बा, देख तो कितनी परेशान है अपनी बहन दे वास्ते। हाँ राजीव, पुत्र जी, मैं तेरे वास्ते जिन्नी संस्कारी और सोनी कुड़ी ढूंढ रही थी ना, परिणीत उन सबसे लाख गुना बेहतर है। राजीव, तेरा ये पर्दा कब हटेगा? तुझे पंडित जी ने क्या अपनी माँ से भी अपना चेहरा छुपाने के लिए कहा है क्या? पंडित जी, जी इसका ये पर्दा कब हटेगा? किस पर्दे की बात कर रहे हैं? ये पर्दा, ये सेहरा, आप ही ने मेरे पुत्र को कहा है ना कि शादी जब तक नहीं हो जाती तब तक अपना चेहरा इस सेहरे के पीछे छुपा कर रखे। नहीं तो मैंने कब कहा? अच्छा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अरे पर आप ही ने तो राकेश, तू राकेश है? मैं सबको बता दूंगी। भागने कोई फायदा नहीं राजीव, मैं कितनी कोशिश कर लूं वो दोनों मुझे ढूंढ ही लेते हैं। वो दो हैं और मैं अकेला, उनके पास तो गन भी है, गलती से गोली मार दी ना तो यहाँ से निकल नहीं पाएगा। क्या करूं? एक काम करता हूँ, दोनों को एक एक करके टैकल करता हूँ, फिर यहाँ से निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या कर सकता है तू? कहाँ जाएगा बच्चे? राजीव हाँ, इन पत्थरों से मैं उन्हें अलग कर सकता हूँ। शेरा, तूने आवाज सुनी? हाँ, वो आवाज है ना, यहाँ से आई है। यहाँ से नहीं, वहां से आई है, लगता तूने ढंग से सुनी नहीं। मैंने ध्यान से सुनी है कि आवाज यहाँ से आई है, मैंने ध्यान से सुना एकदम। जब मैं कह रहा हूँ आवाज वहां से आई तो वहां से आई है। पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया। आवाज वहां से आई थी शेरा। ठीक, तेरे हिसाब से आवाज यहाँ से आई थी ना? हाँ, तू वहां जाके देख, मैं यहाँ जाके देखता हूँ। जा जा राजीव, काम करता हूँ, पहले जैसे निपट लेता हूँ, वो इजी टारगेट है। राजीव, लग
लगता है यहाँ कोई कैंपिंग कर रहा था, उसमें कुछ सामान हो सकता है जो मेरे काम आ जाएगा। ये वायर मेरे काम आ सकते है। सॉरी आंटी, मैंने आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, पर आपने आखिर मुझे मजबूर कर ही दिया। बेवकूफ, हैं? कौन से पंडित जी से पूछकर आया कि पूरा दिन तुझे चेहरा सहरे के पीछे छुपाना है? हाँ, कौन से पंडित जी ने बोला तुझे राजीव? वैसे आंटी जी, आपने इसको राकेश क्यों कहा? ये तो अपना राजीव है। ओ पिटे मुंह, पता है मैंनू ये मेरा राजीव है। मैं तो जान के कह रही थी, देखना चाहती थी कि राकेश का नाम सुन के गुस्से में आकर ये सहरा हटाता है या नहीं। पर ये तो बड़ा पक्का निकला है, माँ की बात के आगे पंडित जी की बात नहीं भूली। इसका मतलब यही हुआ ना कि तू भी नहीं चाहता कि इस शादी में कोई भी गड़बड़ हो। चल, मैं छेती करके सिमी को ढूंढने में मदद करती हूँ कि जल्दी से ये शादी शुरू कर दे। जिंदल आती हूँ। तू ठीक है ना? सिमी उस संदूक में है, संदूक को खींच के दूल्हे के रूम में ले गया, समझा? वाहेगुरु जी, इसका मतलब सिमी ने सबको बता दिया कि सहरे के पीछे राजीव नहीं, वो राकेश था। अगर सच में राकेश की शादी परी के साथ हो जाती ना, तो मेरी परी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब सुनिए ना, कोई दिखाई नहीं दे रहा, सारे लोग कहाँ पर है? परी सब अंदर गए। पता चला वीर जी वो अंदर भी नहीं है। अंदर भी नहीं, चलो उधर देखते हैं। सिमी, सिमी क्या हुआ? सिमी मिली नहीं? वहाँ नहीं है। अब पीछे गार्डन में भी नहीं है, कहाँ गई होगी? चलो बाहर देखते हैं। राकेश को क्यों आवाज लगा रहा है? सिमी को ढूंढना। माँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब राकेश ने ही किया है, और वो यहीं कहीं छुप के बैठा है ताकि वो बाहर निकल गया, इसलिए नाम ले रहा हूँ। वीर जी आप सही कह रहे हो, पर पहले हमें सिमी को ढूंढना चाहिए, उसे बाद में देख लेंगे। ठीक है, चल चल। सिमी, सिमी शर्मा, उसको फोन लगा, अगर उसके पास फोन होगा पता चल जाएगा। जल्दी नहीं लग रहा वीर जी, उधर देखते। मैं हूं बिट्टू। अच्छा अंदर आ, मैं चल नहीं करना, खींच के लेकर। अरे भैया हालत खराब हो गई है, बहुत भारी है संदूक। भारी है संदूक मतलब मैं क्या करूं? मैंने क्या परी के घर वालों का वेट नापते ही से चुना है? भैया गुस्सा मत हो, वो तो मेरे हाथ और पीठ दर्द कर रहे थे इसलिए पूछा। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है मुझे। पूछा नहीं था कि आज का दिन इतना खराब और अजीब होगा यार? सुबह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे मैंने वो बोर्ड पढ़ा, वरुण, वेट्स, परनीत, मेरा दिमाग हिल गया है। कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ। पहले वो सिमी है, उसके बाद डैड, उसके बाद ये मंडप का ड्रामा, कुछ मुझे डाउट हो रहा है कि अब मेरी शादी हो पाएगी या नहीं यार। परनीत, परनीत को भी पता चल गया है कि सहरे के पीछे राजीव नहीं मैं हूँ। क्या क्या होगा? मुझे तो लग ही रहा था कि आज का दिन बहुत भारी है। मतलब जब आपने बताया ना परी को कि सहरे के पीछे राजीव नहीं आप हो, बताना पड़ा, वरना मुझसे शादी नहीं करती। फिर सच जाने के बाद भी उसने आपसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? धमकी दी मैंने उसको कि अगर मुझसे शादी नहीं करेगी तो राजीव को मरवा दूंगा मैं। तो राजीव को बचाने के लिए उसने हाँ कर दी? हाँ, परी राजीव से बहुत प्यार करती है, वरना इससे जबरदस्ती कौन शादी करेगा? राजीव उसके लिए बहुत मायने रखता है। फिर उसके लिए मेरे अलावा कोई और मायने रखे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने उसको मरवा दिया, किससे खत्म किया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। राजीव, लगता है शेरा सही बोल रहा था कि आवाज इस तरफ से नहीं दूसरी तरफ से आ रही थी। कहीं जैसा ही तो नहीं बोल रहा था कि आवाज दूसरी तरफ से आ रही थी। Bhavam Bhavani Saitam Namah।
तो भैया आपने राजीव की जान ले ली? हाँ, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, जो भी करता फुल प्रूफ प्लान के साथ करता हूँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। पता नहीं यार ये सिमी वाले ड्रामे में एक्चुअली क्या हो गया, जब तक ये मिल नहीं जाती परी मुझसे शादी नहीं करेगी। यार दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी, इसके बारे में सोचने ही भूल गया। भैया हमें तो पता है ना कि सिमी संदूक में है। अरे मैं तो कहता हूँ खोल के दे देते उनको और शादी भी निपट जाएगी। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। जिसे इसको बाहर निकालेगी और ये मुंह में दे जमा के बैठी रहेगी, ये दौड़ के जाएगी और सबको सच बताएगी। अरे परी मजबूर है, परी को लगता है कि मैं राजी को छोड़ दूंगा इसलिए वो चुप है, पर ये इसको लगेगा कि अपनी बहन को बचाना चाहती। अरे भाई इसको दे दिया तो मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। भैया इसको नहीं देंगे तो भी तो नहीं हो पाएगी, वो परी मंडप पे नहीं बैठेगी इसके बिना। वही तो प्रॉब्लम है, इधर खाए उधर कुआ, खरबूजा और चाकू जैसी सिचुएशन हो गई मेरी, इधर कटू या उधर कटू, कट्टा मुझे ही। ट्राई करते हैं शायद मान जाए, और कोई ऑप्शन भी नहीं, चलो निकालते इसको। अरे पर भैया खुल भी तो नहीं रहा है, उसकी माँ को कहते सुना था मैंने कि कुछ टेक्निक है। अबे कोई टेक्निक नहीं है, जब मैं छोटा था ना मेरे डैड ना मेरे को रूम में लॉक कर देते थे, बिना चल के बाहर आ जाता था। ये सब संदूक में तो बच्चों का खेला। कुछ है कुछ सेफ्टी पिन, हेयर पिन कुछ रखता है, ऐसे कुछ शौक है तेरे? भैया मेरे को लड़की थोड़ी ना हूँ जो हेयर पिन सेफ्टी पिन निकाल के दे दूंगा दुपट्टे से। हट, किसी काम करिए तो। हाँ ये देख मेरे पास, देख ये रहता नहीं था तो इसको इससे सपोर्ट मिलता था, इसको अच्छे से पकड़े ऐसे पकड़े रहा। अरे भैया पर पिन से स्क्रू कैसे खुलोगे? अब तो कुछ बोल मत, चुपचाप वहां पे बैठ और देखता जा मैं क्या करता हूँ। अरे आराम से भैया लग जाएगा। पता है मेरे को, देखता जा। सारे लोग कहाँ पर है, कोई दिखाई नहीं दे रहा? वो लोग उस तरफ गए हैं। अच्छा ठीक है। माफ करना बेटा जी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे मुंह धोना पड़ेगा। वॉशरूम किधर है? वॉशरूम उस साइड है। चल ठीक है। अब तुम्हारा जीना मरना मेरे हाथों में, अब तुम्हारी गन से तुम्हें ही गोली मारूंगा और केस बनेगा सेल्फ डिफेंस का, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे किडनैप किया और जान से मारने की कोशिश की। अब तुम दोनों के लिए यही बेहतर है जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। क्या क्या करना, क्या अब बात है यार, एमएलए के बेटे के चोरी चक्के वाले काम खूब आते हैं आपको, मतलब ताला तोड़ना वगैरह। मजाक चल रहा है, हंसो मैं जोर जोर से, दिमाग खराब हो गया, मजाक सोच रही। पानी लेके आ, ताला तोड़ने, पानी लेके आ। खोल खोल खोल,